हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं आर्किटेक्चर और तकनीकी के एक बेमिसाल नमूने के बारे में। और जब जब टेक्नोलॉजी की बात होती है तब हमारे मन में सबसे पहले एक ही देश की छवि आने लगती है और वो है जापान। और आज हम आपको लेकर चलते हैं जापान के ओसाका शहर में, जहाँ आर्किटेक्चर का बेमिसाल नमूना देखने को मिलता है। यहाँ 16 मंजिल की एक इमारत है जिसका नाम गेट टावर बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि इसके बीचों बीच से एक हाईवे गुजरता है, ऐसा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिला है। इमारत के बीच में से हाईवे जाने के कारण भी इस इमारत को कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही ट्रैफिक पर किसी तरह की रोक है। बिल्डिंग को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ट्रैफिक के कारण बिल्डिंग में ना तो वाइब्रेशन महसूस होगा और ना ही शोर महसूस होगा। बिल्डिंग के अंदर एलिवेटर लगे हुए हैं और हाईवे भी बिल्डिंग को नहीं छूता है। गेट टावर बिल्डिंग एक जमीन के लिए 5 साल तक चले एक केस के बाद हुए समझौते का नतीजा है। जहाँ ये बिल्डिंग मौजूद है उसके प्रॉपर्टी राइट एक कंपनी के पास मौजूद थे। यहाँ बनी बिल्डिंग को मरम्मत की सख्त जरूरत थी। 1983 में जब इस प्लॉट के रीडेवलपमेंट की बात शुरू हुई तो जापानी सरकार की ओर से इस प्लॉट के मालिकों को जमीन के अधिकार से वंचित कर दिया गया, क्योंकि सरकार ने होनसन एक्सप्रेसवे की परियोजना बनाई थी जिसे उस प्लॉट से होते हुए ही जाना था। इसके बाद कोर्ट में जमीन को लेकर केस शुरू हो गया। एक्सप्रेसवे बनने में देरी ना हो इसलिए 5 साल बाद प्रशासन ने तय किया कि प्लॉट का अधिकार प्लॉट के असली मालिकों के पास ही रहेगा और प्लॉट के मालिक भी इस बात पर राजी हो गए कि प्लॉट से होते हुए ही एक्सप्रेसवे बनेगा। इसलिए ये हाईवे किराएदार के रूप में इस बिल्डिंग से होकर गुजरता है। हाईवे का नाम बिल्डिंग के किराएदारों की लिस्ट में लिखा हुआ है और हाईवे प्रशासन को बिल्डिंग में किराएदार होने के चलते किराया देना पड़ता है। गेट टावर बिल्डिंग फिलहाल TKP कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर है। यह हाईवे बिल्डिंग की 5वीं, 6वीं और 7वीं मंजिल को कवर करता है। इन फ्लोर्स पर कोई घर नहीं है। मजे की बात तो यह है कि लिफ्ट 4थे फ्लोर के बाद सीधे 8वें फ्लोर पर पहुंचती है। हाईवे के बीच में से बिल्डिंग बनाने को लेकर काफी विवाद हुआ था, लेकिन अब यही इंजीनियरिंग की दुनिया का बेहतरीन नमूना है और टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र भी। इस बिल्डिंग को वर्ल्ड फेमस इंजीनियर अजुसा सेकई और यमातो निशिहारा ने डिजाइन किया है। इस गोलाकार बिल्डिंग में हाईवे बिल्डिंग से सटा हुआ नहीं है, बल्कि नीचे बना ब्रिज हाईवे को सहारा देता है। इतना ही नहीं, हाईवे के चारों तरफ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है जो गाड़ियों के शोर को बिल्डिंग में जाने नहीं देता। यह स्ट्रक्चर इतना आधुनिक है कि बिल्डिंग में रहने वाले लोगों तक रात के सन्नाटे में भी तेज रफ्तार वाहनों की जरा सी भी आवाज नहीं पहुंचती।